नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स का जो हमारा बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वैसे तो मैथमेटिक्स की हमारी उसके सब फॉर्मूले को प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और हम जब मैथमेटिक पढ़ते हैं तो हमें ये फॉर्मूला आसानी से याद करवा दिए जाते हैं, और उसके बाद में हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन फॉर्मूलों की सहायता से इजीली उसे सॉल्व कर लेते हैं। पर हमें कई बार ये पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला आखिरकार आया कहाँ से। जैसे कई सारे फॉर्मूले अलग अलग मेथड से इन्हें प्रूफ करने के, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, इसकी ये लेंथ मैंने बी ली और ये दोनों लेंथ मैंने ए और ये भी है और ये लेंथ हो गई इसकी बी। ऐसे मैंने जस्ट इसी के नीचे एक स्क्वायर बनाया वर्क, उसकी मैंने सभी लेंथ बराबर रखी बी के इक्वल, तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी डिफरेंट। फिर इस पहले वाले रेक्टेंगुलर के साथ मैंने एक और स्क्वायर बनाया, क्योंकि सभी लेंथ मैंने एक ही बराबर रखी, ए ए और ये भी है। ऐसे ही मैंने एक फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एक और बनाया दूसरा, और इस रेक्टेंगुलर में ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये ए। तो अब आप देखो दोस्तों, जो ये टोटल लेंथ है ये हो गई ए प्लस बी, ऐसे ही ये लेंथ भी हो गई आपके पास में ये ए है, सॉरी ऐसे ये लेंथ हो गई आपकी ए प्लस बी, और ऐसे ही आपकी ये टॉप वाली जो लेंथ है ये भी हो गई ए प्लस बी, और ये लेंथ भी जो है आपकी हो गई है ए प्लस बी। तो ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। तो इसका आप एरिया निकालोगे तो सभी जो इसकी आर्म्स है वो सभी खोले, तो ये इसका एरिया हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर टोटल। फिर अब इनका अलग अलग एरिया निकालिए, अलग अलग जो इसमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पहले का निकालेंगे, ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का लंबाई इनटू चौड़ाई, तो ये हो गया आपके पास में ए बी, ए इंटू बी प्लस। फिर सेकेंड का निकालिए टोटल, तो ये वर्ग बन रहा है स्क्वायर, इसमें टोटल सभी जो लेंथ है वो बी है, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस। आप थर्ड का निकालिए, थर्ड में सभी ए हैं, तो ये हो गया भुजा का स्क्वायर, इसमें एक भुजा ए है तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। और वह फिर प्लस, फिर फोर्थ नंबर का रेक्टेंगुलर है तो इसमें एक भुजा ए है, दूसरी भी है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया ए बी, तो ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी दो बार ना, तो टू ए बी। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय।